हे बिहोल्डर साहब, पॉज है तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी बोलेंगे, क्योंकि हम कल उतना ध्यान नहीं दिए थे अपने वीडियो पे और हम गलती से एक ही वीडियो दो बार ही अपलोड कर दिए थे। तो इसका मतलब आपको कल मज़ा नहीं आया होगा। तो उस मज़ा को बनाने के लिए, हम दोगुना मज़ा लाने के लिए आपको हम स्टोरी बताएंगे अपने, मतलब जब हम ग्रेड फोर में थे। तो भाई जब हम स्टोरी बताना शुरू करते, ये गेम प्ले के साथ है तो आप गेम प्ले भी देख सकते हैं, स्टोरी भी सुन सकते हैं और इसमें शायद गाना नहीं रहेगा। तो देखिए, जब हम ग्रेड फोर में थे तो क्या हुआ कि, अगर कोई भी मेरा ग्रेड फोर का दोस्त रहेगा तो समझ जाएगा, क्या हुआ कि कुछ लड़के जो हम लोग एक क्लास में थे, उन लोग का दूसरे क्लास 4D, हम लोग 4H में थे, तो 4D के लड़कों के साथ लड़ाई हो गया था। मतलब थोड़ा सा अभी शुरू हुआ था उस समय लड़ाई का, बोल बाल में पहले बोलने में शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े, मतलब उसके बाद जब मतलब बोलने में शुरू हुआ तो 4H और 4D दोनों का लड़का, मतलब इधर से लड़ाई करने के लिए लड़का ढूंढने लगा कि अभी लड़ाई करने जाना है। तो क्या हुआ, एक दिन जिस दिन लड़ाई का दिन था उस दिन 4H 4D के तरफ गया लड़ने के लिए, और क्या हुआ कि जो 4D का बच्चा है वो 4H को हराने लगा। तो 4H में, 4H जब हार रहा था, 4H जो मेरा क्लास था जब हार रहा था, तो हम लोग एक क्लास में गुंडा बच्चा जिसका नाम प्रियांशु था, वो आता है और मतलब लड़ना खतरनाक ही मारने लगता है सबको। उसके बाद 4H भी मारने लगता है, पूरा सबको पीट देता है 4H और वापस आ जाता है। और जब मार रहा रहता है तब मेरा एक दोस्त विश्वम नाम है उसका, वो गया देखने के लिए गया था, तो वही बताता है कि ये लड़ाई हो गया। और हम लोग का जो डॉन बास्को में थे हम लोग तब, तो उसमें रहता था कि हम लोग मतलब खाना जब लंच टाइम होता था तब हम लोग जा सकते थे ग्राउंड में खाने के लिए। तो हम जब टिफ़िन बॉक्स लेके जा ही रहे थे ग्राउंड की तरफ, तभी ये आता है, वो दौड़ते दौड़ते बताता है कि लड़ाई हो गया है। तो जब लड़ाई ख़त्म होता है तो अगले दिन जो मतलब अगले दिन जो था वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो गया था। तो अगले दिन जो हुआ ना, हम लोग को मतलब हम लोग को प्रेयर के लिए बुलाया गया। और क्या हुआ, जब सारा क्लास जाने लगा तो मैम बोली कि 4D और 4H के बच्चे रुक जाए। हम लोग की जो उस समय की उस बिल्डिंग की कोऑर्डिनेटर थी वो बोली थी, और वाइस कोऑर्डिनेटर भी थी वहाँ पे। और हम लोग दोनों क्लास मतलब 4H और 4D के क्लास टीचर्स को भी रुकने के लिए कहा गया था। तो मैम ऐसे ही बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ने का कंपटीशन होता है, आजकल देख रहे कि लड़ाई का भी कंपटीशन होने लगा है, चैम्पियनशिप होने लगा है। और उसके बाद जो जो लड़ाई किया था उन लोग का नाम पूछने लगी मैम, नाम पता था मैम को। और अभी हम सबसे लास्ट में खड़े थे, क्योंकि हम तो लड़ाई की नहीं थे, तो हम सबसे लास्ट में खड़े थे। तो वहीं पे एक तो बच्चा था, वो ग्राउंड और उसके ऊपर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा था, खेलने लगा था वहीं पे। तो एक तो सर आते हैं और उसको सिर पे मार के पीछे खड़ा कर देते हैं। और थोड़ा देर में वाइस कोऑर्डिनेटर जो, तो जो हम वो वाइस कोऑर्डिनेटर थी, उस बच्चे को जब वो बच्चा देखता है कि वाइस कोऑर्डिनेटर आ गई है तो उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। और फिर मैम उसको कुछ पूछते कि क्या हुआ बताया, तो मैम उसको वापस 4D के लाइन में खड़ा कर दी, 4D का बच्चा था। तो उसके बाद जो जो लड़ा था उन लोग के पेरेंट्स को बुलाया गया और कंप्लेन हुआ। तो उसके बाद हम लोग को एक पनिशमेंट मिला कि हम लोग एक हफ्ते तक ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं हाथ धोने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मेरा वीडियो तो ख़त्म हो गया है, तो जो अगला है मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए हम कल के वीडियो में बता देंगे पूरा स्टोरी। तब तक के लिए बाय।